जब गाड़ी यहाँ पहुँची जी राइस मिल के सामने जी, किस तरह से घटना हुई थोड़ा जिक्र करिए। गाड़ी पर आके यहाँ खड़ी हुई, कहाँ पे खड़ी हुई? यहाँ गेट के मेन गेट के सामने, गेट के सामने। ठीक, ड्राइवर मेरा हॉर्न मारा, मेरा गार्ड गया, गेट खोला, फिर फायरिंग चालू हो गया। गाड़ी में तो कूद के हम भागे, अब हम मेरे पीछे पर गया राइफल लेकर मारने के लिए। आप इसमें क्या काम करते हैं? सेल्स मैनेजर है। सेल्स मैनेजर। अच्छा, इस गाड़ी में कितने आदमी सवार थे? 3 आदमी हम लोग थे। कितना रुपया लेकर के आए रहे थे? पेमेंट था 26,70,000। 26,70,000। कितने बैग में रखे हुए थे? 2 बैग में। और आप जब यहाँ पे भागे जाओ जी, आपके पीछे कोई? पीछे करा मेरा। फायरिंग भी हुई? फायरिंग भी हुआ। लगभग कुछ याद है कितनी फायरिंग हुई? सर याद तो नहीं है। कोई था बोले? हम एक आदमी खुद देखे हैं, एक आदमी देखे हैं, उसके बाद हम अंदर भागे तो पीछे हम घूम के नहीं देखे। हम अंदर भागे जब एक बाइक आपके ऊपर अटैक तो नहीं ना किया? आया तो साइड से डायबॉक पर मारा। अच्छा, बस हम गाड़ी में खुद भागने लगे, बस हमको पीछा किया, मारे साले को मारे। अच्छा, दिलीप सिंह क्यों मारा? आप जादू है, क्यों छोड़ दिया अपराधी? तो हम थोड़े जानते हैं, वो तो हम खुद भागे, अपन जान बचाए। हम जब आप भागे तो गार्ड आपके साथ में यहाँ दिखाई दिया? गार्ड मेरे पीछे भागा। पीछे भागा, वो भी भागने लग गए, दोनों भागने लगे आप लोग साथ। वो लोग पीछा किया आपका? जी पीछा किया। कितना दूर? लगभग 5-10 कदम? 5-10 नहीं, 2-3 कदम। 2-3 कदम फिर बैक हो गया। आपको तो देख रहे हैं, हाथ में छड़ा लगा हुआ है। ये थोड़ा दिखाई, ये देखिए, इनके हाथ में जो है छड़ा लगा हुआ है गोली का। बुलेट से तो पूरे देख रहे हैं गाड़ी भरा हुआ आपका, लेकिन सूझबूझ के साथ आप लोग अपराधी को नहीं देख पाए? नहीं देख पाए हम लोग। कितने आदमी हम लोग नहीं देख? अंदर जाके आप छुप गए? जी छुप गए। कितनी देर बाद फिर बाहर आए आप? हम आए आधा घंटा बाद आए। उससे पहले और लोग आ चुके थे क्या? जी और लोग आ चुके थे क्या? जी आ गए थे लोग, अंदर मिल के आदमी लोग आ गया था बाहर। आ गया था लोग। आप लोग निवासी है? नहीं, मेरा घर चकिया है। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार यादव। यहाँ क्या काम करते हैं? सेल्स मैनेजर है। धन्यवाद। कितने सालों से है यहाँ? 14 साल से है। मुखिया जी, क्या इस दुर्घटना, ये दुर्घटना बहुत बड़ी, मतलब ये कहा जाए बहुत दर्दनाक है ये, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? जो भी ये काम किया है, कायरतापूर्ण ये काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाए ये दशहरा का ये वक्त है, इसमें तो और सब लोग, आप 10 लोग इसमें जीता भी है। इस वक्त मील मान लीजिए किसी कारणवश ऐसे बंद हो जाता है दहशत में आकर, तो लोगों को रोजी रोटी पर का भी सवाल इसमें उठता है। जो भी काम किया है गलत काम किया है, उसका हम भर्सना करते हैं। देखिए, एक बात नहीं लग रहा है आपको कि जो पूरा ट्रैकिंग किया गया है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उतने पैसे उनको पता है कि इस समय में उतने पैसे लेके आ रहे हैं, और इन लोग को मार भी देना, पैसे सिर्फ लेके चले जाते एक बात अलग थी, बट इनको मारना भी, गोली चलाना, ऐसा तो कुछ नहीं है? ये लोग रिएक्ट भी नहीं किए किसी तरह का? आते के साथ पहले गाली गलौज करना और सीधा गोली चला देना, ये नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश भी हो सकती है? तो साजिश है। इसके लिए हमारे बड़ा बाबू बहुत होनहार आदमी है, इसमें लगे हुए हैं। उम्मीद है जो निकालेंगे सबका मोबाइल नंबर को खंगालेंगे, और खंगालने के बाद जहां भी कोई होगा वो ढूंढ कर लाएंगे। बहुत होनहार इंसान है, ईमानदार भी बेचारे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उम्मीद है आज न कल। हाँ, फिर क्या हुआ उसके बाद? इतना हम गेट खोले, इतना जब गेट खोले तो देख रहे हैं कि सुरेश जी पर गोली चल गया। तब तक गोली चला तब तक उपेंद्र जी बगल वाले सीट से कॉल करके वहाँ, माने मेरे सामने आमने सामने वहाँ चले गए। वो बोल रहे भागो, ये गाड़ी लुटा गया। कितना उसमें पैसे कितने थे हम नहीं बताएंगे। जो वहाँ पे मुझे जानकारी मिली है लगभग 30 लाख रुपए के आसपास थे, और 2 पैकेट्स में रखे हुए थे, और ये मुजफ्फरपुर से आ रहे थे। ये भी हम नहीं बताएंगे कहाँ से आ रहे थे। आपको नहीं पता है वो मुजफ्फरपुर से? क्योंकि मैंने वहाँ जो पता किया लोगों से, ये बताया गया कि ये मुजफ्फरपुर से अपना लहना कलेक्शन करने के बाद वापस आ रहे थे, लेकिन इस क्रम में हर जगह की जानकारी उन तक पहुंची है, और वो लाइन बाय लाइन हर जगह उनको टेकअप करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। और इस पॉइंट पे पहुंचते ही, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे आते ही मामला जो है बदल जाता है, बिल्कुल क्राइम का रूप ले लेता है। और अभी ये बताइए, अभी एक उसमें से एक्सपायर है? हाँ। क्या नाम है उनका? दिलीप सिंह। रहने वाले कहाँ? गौर के रहने वाले। गौर नेपाल? हाँ जी, मतलब सीतामढ़ी के। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और दूसरा जो है उस सुरेश जी, यहाँ रघुनाथ, क्या बोलते हैं, शोभा टोल। हाँ,
और तीसरा जो उपेंद्र जी हैं वो भाग गए थे वो? हाँ, चकिया साइड में उनका कहाँ घर है मालूम नहीं, लेकिन चकिया साइड जानते हैं। ये अच्छा है कि उपेंद्र जी ने अपना मौका देखते ही अपने आप को संभाल लिया और निकला कि घटनाएं, क्योंकि दशहरा, दीपावली और छठ का पर्व जो है बिहार के लिए सबसे ज्यादा अहम होता है। ऐसे समय में अपने आप को संभालना भी जरूरी है, क्योंकि राज किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अपनी सेफ्टी जरूरी है। लेकिन ये जो घटना है ये छोटी मोटी घटना नहीं है, इस घटना के पीछे बहुत बड़ा एक चक्र बना होगा। क्योंकि इस तरह, क्योंकि 10,000 और 2,000 और 5,000 एक छोटी अमाउंट की बात नहीं है, यहाँ बड़ी अमाउंट की बात है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और किस तरह से इस वारदात को अंजाम देने में वो आगे बढ़ चढ़ के आए हैं।